नमस्कार साथियों, जिंदगी ताश के पत्तों की तरह है। जहाँ जो पत्ते आपके पास आ चुके हैं वो आ चुके हैं, आप उनको बदल नहीं सकते। पर कौन सा पत्ता कब यूज करना है, मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ हैं, आपकी जो वीकनेस हैं, उनको जानकर लाइफ में कब क्या करना है उस सिचुएशन में, सिचुएशन तो आएगी, ये आपके ऊपर है। इसको हम फ्री विल कहते हैं। और जो इसको जान लेता है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर अवश्य बना सकता है। इसी विचार के साथ मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप। और वृषभ राशि के लिए अगस्त का खूबसूरत महीना क्या लेकर आया है, इसके बारे में बात करेंगे। खूबसूरत महीना इसलिए कि गर्मी भी कम होने लगती है अगस्त के बाद, और इस महीने ग्रहों के राजा सूर्य अपनी राशि में आएंगे 16 तारीख के बाद, जो साल में एक बार ही आते हैं, जो बड़ी बात है। आपके लिए चौथे भाव में हो रहा है, आपके प्रथम भाव में मंगल और गुरु का संयोग बना हुआ है, गुरु मंगल योग बना हुआ है, जिसको चार्ट में वन ऑफ द बेस्ट योग मानते हैं। इसके साथ साथ गुरु और सूर्य का जो योग होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। केतु की बात करें तो वो आपके पंचम भाव में, और राहु जो है आपके एकादश भाव में है। राहु का एकादश भाव में वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन माना गया, अगर जन्म पत्री में है भी स्ट्रांग होना चाहिए आपका राहु, तभी गोचर का कोई भी ग्रह आपको रिजल्ट दे पाएगा। अगर आपकी जन्मपत्री में वो कमजोर है तो आप सुनते रहोगे यूट्यूब पर वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो जन्मपत्री में ही कमजोर है। वहीं अगर शुक्र की बात करें तो इस महीने शुक्र जो है नीच के होंगे, पर वो होंगे महीने के एंड में। शुक्र आपके नीच के हो जाएंगे 25 तारीख को, तो महीने का एंड ही हो गया, एक तरह से 5-6 दिन बचे। कन्या राशि में जाएंगे आपके पंचम भाव में केतु के पास और नीच के हो जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं ये जो गुरु मंगल योग है ये भी आपका 26 तारीख तक बना हुआ है, तो लगभग पूरे महीने बना हुआ है, पर 26 के बाद ये मंगल आपके प्रथम भाव से द्वितीय भाव में जाएंगे मिथुन राशि में। देखिए भावी आपका प्रथम है, यहाँ दो नंबर को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये हमेशा पहला भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये दसवां, ये ग्यारहवां, बारहवां। पर ये जो नंबर लिखा है ये राशि का नंबर है, जैसे कि टॉरस दूसरी राशि है इसलिए यहाँ पे दो नंबर लिखा है। भाव ये पहला है, ये भाव दूसरा है, पर राशि इसमें तीसरी है जो कि मिथुन होती है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। आपके राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, शुक्राचार्य हैं, है ना, देवते गुरु शुक्राचार्य है। टॉरस बहुत ही प्रैक्टिकल स्थिर राशि है, धीरे से निर्णय लेती है, जो निर्णय ले लेती है उस पर टिकती है, किसी को छेड़ते नहीं है ये लोग, अपने काम से काम रखते हैं। पर अगर कोई इनको ज़्यादा परेशान करे तो फिर इनको गुस्सा भी काफ़ी ज़बरदस्त आता है, पर फिर माफ़ भी कर देते हैं, इनका ऐसा रहता है। प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि रिस्क नहीं लेते हैं, सोच समझ के रिस्क लेते हैं, और इनको अच्छी चीज़ों का शौक होता है, अच्छी गाड़ी, अच्छा परफ्यूम, क्वालिटी की चीज़ होनी चाहिए। खैर, आपकी जो राशि का जो स्वामी है वो नीच का होगा महीने के एंड में, तो उससे पहले तो वो चौथे भाव में है, है ना, और चौथे भाव में जा रहा है शुक्र का गोचर। सुबह अच्छा है घर खरीदना, जमीन खरीदना, कपड़े खरीदना, कुछ घर के लिए काम करना, माता से संबंधित कुछ अच्छा न्यूज मिलना, माता की लाइफ में कुछ अच्छा होना, बहुत ज़्यादा फोकस आपका अपने परिवार के लिए कुछ करना, करियर पे भी जो फोकस रहेगा उसका मेन जो कह सकते हो पर्पज़ रहेगा कि अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने ट्रेडिशन के लिए कुछ करना है, ऐसा रहने वाला है। इसके साथ साथ ये लगभग पूरे महीने रहेगा। वही स्वास्थ्य की बात करें, पहला भाव की बात हो रही है तो स्वास्थ्य की बात आएगी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी 26 तारीख के आसपास तक का जो समय है वो पॉजिटिव है। 26 के बाद हमको हेल्थ का अवश्य ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो केतु है, वैसे तो पंचम भाव में अच्छा होता है, नीच का है और केतु है आपका, तो स्वास्थ्य के मामले में 26 के आसपास कुछ गड़बड़ हो सकती है, हमको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। द्वितीय भाव जो कि आपके धन का भाव है, उसका स्वामी वक्री रहने वाला है आपका, जो कि बुध है, है ना, शनि तो आपके दसम भाव में चल ही रहे कुंभ में, अभी जो बुध है ये वक्री होगा आपका और पीछे जाना शुरू करेगा 5 तारीख को। जो धन के स्वामी है आपका और पंचम का स्वामी है, जब किसी भाव का स्वामी वक्री होता है तो इसको हम श्रेष्ठ नहीं मानते, पर बुध तो वक्री होता रहता है, ऐसा नहीं है हर साल वो 3-4 बार वक्री होता ही है, तो कुछ ऐसा खतरे की भी बात नहीं है, पर कहीं ना कहीं
कहेंगे कि फ्यूचर का कोई बहुत बड़ा प्लान बनाना, धन से संबंधित कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से हमको बचना है, केयरफुली अगर लेना भी पड़े तो केयरफुली बहुत सोच समझ के लेना है। और अगर वो जो आप निर्णय ले रहे हो अगर उसका विचार पहले से ही चल रहा था आपके बारे में, उसके बारे में बातें पहले से ही चल रही थी, तब तो ठीक है। एकदम से नया है तो थोड़ा सा आप महीने के एंड तक रुकें, क्योंकि 29 के बाद फिर बुध मार्गी हो जाएंगे। ये बुध जब वक्री होंगे पीछे जाएंगे तो फिर 12 तारीख को कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। तो ये कहता है कि भैया 12 तारीख तक धन का लाभ, माता से संबंध, फैमिली से संबंध, मित्रों से संबंध से, कहीं ना कहीं धन से कुछ इनसे जुड़ सकता है। इसके बाद छोटे भाई बहन पड़ोसी आदि से धन, फैमिली का कोई रिश्ता बन सकता है, या कह सकते हो कोई पुराना दोस्त, पुराने फ्रेंड, इनका रोल आपके लाइफ में बढ़ने वाला, यात्रा ट्रेवल जो है वो 12 तारीख के साथ बढ़ सकती है। छोटी मोटी यात्रा है आपके, ये यहाँ पे दे सकता है। अल्टीमेटली धन का स्वामी अगर वक्री है तो धन के क्षेत्र में आपको पुराने सोर्स से कहीं कोई लाभ हो सकता है, पुराने क्लाइंट से लाभ हो सकता है, कुछ पुरानी चीज़ों के मामले में है। ये भी कहता है आपको अपनी वाणी, धन कमाने का तरीका, बच्चों से आप किस तरह से डील करते हैं, रिश्तों में आप कैसे हैं, संतान के साथ आपका कैसा व्यवहार है, वहाँ आपको कुछ ना कुछ सीखने का, बेहतर करने का स्कोप है। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्कोप नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ जिंदगी में सुधारने का स्कोप रहता ही है। इसीलिए कहते हैं कि जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं वो दूसरों पर हंसते नहीं है, किसी का मतलब कोई काम बिगड़ रहा है या कोई काम बहुत ढंग से नहीं हो रहा है तो उनको ज़्यादा हंसी नहीं आती है, क्योंकि उनके लिए फोकस अपने ऊपर ही लगा रहता है। और लाइफ में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि अगर हम काउंट करें उनमें से 2-3 पे फोकस कर जाएं तो उसके लिए भी लाइफ छोटी है। तो वो अपने पे ध्यान ज़्यादा रखते हैं, अपने पे सुधार करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। तो धन के मामले में, परिवार के मामले में, प्रेम के मामले में जो भी तरीका है उसमें सुधार करना चाहिए इस महीने, और चीज़ों को स्लोली करना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, ऐसा ही हमारा महीना कहता है। चौथा भाव जो भूमि का भाव है, जमीन का भाव है, 16 तारीख के बाद वहाँ पे बहुत खूबसूरत योग बना हुआ है। 16 के बाद जमीन, घर, प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ सूर्य अच्छा जरूर करेंगे, इसकी संभावना है। प्रॉपर्टी से संबंधित आप कह सकते हो कि 15, 23, 28, 29 तारीखें अच्छी हैं। वहीं व्हीकल के मामले में 19, 23, 26, 28, 29 जो तारीखें हैं वो काफ़ी शुभ हैं। यहाँ पर जब सूर्य आएंगे तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी दिला सकते हैं, पर आपको क्या रखना है कि आपके जो वर्कर हैं या फिर आपके जो बॉस हैं इन दोनों से तालमेल बनाना जरूरी है। यहाँ ऐसा हो सकता है वर्कर और बॉस के बीच में कुछ दिक्कत आए, उसके बीच में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसकी संभावना यहाँ पे बनती है। इस केमिस्ट्री को आपको किसी तरह से संभाल लेना है, छोटों से, अपने से नीचे वालों से भी रिश्ते को थोड़ा सही रखना है, ऊपर वालों से भी, ये ध्यान रखना है। कई बार हम बोलते हैं, सोचते हैं यार मतलब हमसे नीचे वाले हैं तो इनसे हमारा क्या, पर ऐसा ध्यान रखना है कि भैया समय कभी भी बदल सकता है ना, इसलिए कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। और वैसे भी काइंड होना, फॉरगिव होना, अपने काम से काम रखना, अपने काम को सुधारते रहना, अपनी गलतियों पर ज़्यादा ध्यान देना, ये बहुत अच्छा रहता है। तो इस महीने हमें ये सावधानी रखनी है। अगर हम ऐसा रख पाते हैं तो चतुर्थेश और दशमेश अगर आमने सामने है तो रियल इस्टेट का कोई काम है, गवर्नमेंट से कोई जुड़ा हुआ काम है, गवर्नमेंट कोई जॉब है या प्राइवेट इंडस्ट्री है, घर से, बिल्डिंग से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम है, जल से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो इस तरह के फील्ड में अगर आप हैं तो आपका प्रमोशन आदि हो सकता है। ये पॉलिटिकल फील्ड में जो हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल मतलब ऐसा जहाँ पर हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए, वहाँ भी 16 तारीख के बाद आपका बहुत खूबसूरत योग बन रहा है। 16 से पहले ये जो सूर्य है वो तृतीय भाव में है, तृतीय भाव का सूर्य भी अच्छा माना गया, यात्रा ट्रेवल को दिखा रहा है, घर से दूर जाने को दिखा रहा है। हायर एजुकेशन के लिए 16 से पहले कुछ खूबसूरत योग बने हुए हैं। इसके बाद पंचम भाव जहां पर शुक्र केतु का मिलन होगा, तो प्रेम के मामले में पहले से ही इस महीने को आप कहोगे केतु चूंकि चल रहा है आपके लिए, वृषभ राशि के लिए प्रेम के मामले में, एजुकेशन के मामले में एक्स्ट्रा एफर्ट की आवश्यकता है। एक्स्ट्रा एफर्ट के बाद भी अगर चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही हैं जैसा आप चाह रहे हैं तो फिर भी अपना कार्य करते रहो, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहो और अपनी ड्यूटी पर ज़्यादा ध्यान दो। अगर कोई आपका फ्रेंड है,
गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आपका दोस्त है, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। जहाँ तक अपना जो पार्ट है उस पर फोकस करो। केतु यही कहता है, समर्पण कर दो, ईश्वर पे छोड़ दो, उसका काम ईश्वर देखेगा। मुझे अपने हिस्से का, जो मेरी जिम्मेदारी बनती है, उस पे ध्यान जरूर देना है। यही एग्जाम के हिसाब से भी, एजुकेशन के हिसाब से भी, रिश्तों के हिसाब से भी है। फिर शुक्र जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, तो महीने के एंड में रिश्ते में कुछ खटास वगैरह हो सकती है, या फिर आपका जो स्पाउस है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, रिसर्च, इन सब की तरफ जा सकता है, इसकी संभावना भी यहाँ पे बन रही है। स्टॉक मार्केट के हिसाब से आपकी रुचि वहाँ रहती है, पर ये जो महीना है ये नहीं कहता कि भाई आप स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें, खास करके अगर आपकी रिसर्च कोई बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है। केतु रिसर्च को दिखाते हैं, बहुत रिसर्च करके अगर आपकी बहुत अच्छे वहाँ पर एक्सपीरियंस है, तब तो वो आपको लाभ दे सकता है। सप्तम भाव में बैठे हुए जो ग्रह है, कोई ग्रह नहीं बैठा है, पर इसको गुरु मंगल देख रहे हैं आपके लगभग पूरे महीने, और इसमें से गुरु शुभ होते हैं सप्तम के लिए, मंगल इसी भाव के स्वामी हैं, तो किसी से मुलाकात का, बिजनेस में बढ़ोतरी का, पार्टनर से मुलाकात का, फौरन चीज़ों का आपके जीवन में आने का ये महीना दिखाता है। यात्राएँ, ट्रैवल को भी आपको दिखाता है। आपकी लाइफ में कुछ खर्चा होगा बिजनेस के ऊपर, दूसरों के ऊपर आपको कुछ खर्च करना पड़े, अपने बिजनेस पर, बिजनेस पार्टनर पर, अपनी पति पत्नी पर, अपने दोस्तों पर, फ्रेंड्स पर, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। पूरे महीने आपको ज्ञान से काम लेना है, बुद्धिमानी से काम लेना है। कभी कभी ज्ञान जो है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, सिर्फ ज्ञान के बल पर आप इस वैतरणी को पार कर सकते हो, मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो, पर ज्ञान का अभिमान बहुत बुरी चीज़ है, उससे तो अज्ञानी होना अच्छा। अगर ज्ञान आपको अभिमान क्रिएट करने लगे तो फिर उससे हमको बचना चाहिए। समझने की आवश्यकता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या आपको विनय बनाती है, आपको ग्रेटिट्यूड सिखाती है, विद्या आपको प्रेम सिखाती है। अगर विद्या की वजह से आपके अंदर कुछ इस तरह के आ रहा है, जो कि अहंकार है, ईगो है, मैं बेस्ट हूँ, इस तरह की कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो फिर समझना कि कहीं ना कहीं उस जो विद्या की, जो आप जो सीख रहे हो, आपकी जो नॉलेज है ना, उसमें कुछ तो ऐसी कमी है। इस पे हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल और गुरु साथ में मिले हैं, अगर हम धैर्य रखते हैं, जल्दबाजी में नहीं है, तो फिर ये रिश्तों को भी स्ट्रांग बनाएगा आपके। अदरवाइज ईगो इशू हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत रह सकता है, ससुराल के साथ कुछ और माता के साथ कुछ आप कह सकते हो मतभेद होने के चांसेस हैं। 26 के बाद मंगल यहाँ आएंगे, तो वाणी का थोड़ा ध्यान रखें आप, एक्सीडेंट का ख्याल पूरे महीने आपको रखना है। मतलब कि जिम जाते हैं अगर आप, अग्नि से संबंधित आपका कोई काम है, कोई ऐसा काम है जहाँ आपके आसपास नुकीली चीज़ें, गर्म चीज़ें रहती हैं, इस तरह का बारूद है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो खतरनाक हो सकती है, नुकीली हो सकती है, सडन हार्म कर सकती है, तो उससे हमको थोड़ा बच के रहना है। सड़क पे एक्सीडेंट वगैरह की थोड़ा बहुत चोट लगने का चांस है, क्योंकि अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि यहाँ रह रही है। हनुमान जी की पूजा करना बहुत बढ़िया रहेगा, मंगल के दिन हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाना, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी मंगल के हिसाब से। ये भी दिखाता है कि भैया खर्चे का थोड़ा ध्यान रहेगा। मंगल आपके यहाँ 12वें भाव के स्वामी हैं, प्रथम भाव में रहेंगे, तो आप खुद पे खर्च कर सकते हो, हेल्थ पे खर्च हो सकता है, और 26 के बाद परिवार पर खर्च होना, खुद आपके काम में कहीं थोड़ा बहुत लॉस होने की संभावना है, या फिर फॉरेन या विदेश से कोई लाभ हो तो हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अष्टम भाव की और एकादश भाव की, जिसके स्वामी गुरु हैं, वो आपके साथ बैठे हुए हैं, तो सडन चेंजेस रहेंगे आपके धन के मामले में, जो लाभ है वो घटेगा और बढ़ेगा कहीं ना कहीं। बड़े भाई बहन ससुराल का रोल आपकी लाइफ में बढ़ सकता है, आपकी जो पत्नी है उनके फ्रेंड, दोस्त आदि का रोल भी आपके लाइफ में बढ़ सकता है, इसकी यहाँ पे संभावनाएं हैं। पिता का खर्चा हो सकता है, पिता के ऊपर खर्चा हो सकता है, इस तरह की संभावनाएं आपकी बनी हुई हैं। हायर एजुकेशन में, करियर में एफर्ट, हार्डवर्क करना पड़ेगा, चीज़ें थोड़ी अटकेंगी शनि की वजह से। विदेश जाने का योग बनता है काम के लिए, साथ में ही पति पत्नी का जो रिश्ता है वहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई आ सकती है, कोई नई ऐसी चीज आ सकती है जिसको हमको कह सकते हो हैंडल करना पड़े इस तरह का, क्योंकि शनि की जो दृष्टि तो आ ही रही है यहाँ पर सप्तम भाव पर, साथ में मंगल की दृष्टि भी रहेगी, तो शनि मंगल की जब दृष्टि आती है तो चीज़ों को टफ करती है, आपको रफ टफ होना पड़ता है, तो रफ टफ तो तभी होगा ना व्यक्ति की, उसके लिए कोई सिचुएशन बनेगी,
नहीं तो वो अपना साहस दिखाएगा क्यों? साहस दिखाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए, कुछ ऐसी जहां हमको प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। इसीलिए प्रॉब्लम को बुरा नहीं माना गया है, एक्चुअली प्रॉब्लम ही हमको मजबूत बनाती है, सिखाती है, बड़ा करती है, और असली श्रेय हमारी लाइफ में सक्सेस का प्रॉब्लम को ही जाता है। जब प्रॉब्लम आती है वो हमके सिखा के जाती है। हालांकि हम तो चाहते हैं कि हर चीज़ें ईजी रहें, पर अगर आपको आपके माँ बाप ने मजबूर नहीं किया होता चलना सीखने के लिए तो आप चल नहीं पाते। अगर आपको स्कूल में टीचर ने प्रेशराइज नहीं किया होता पढ़ने के लिए तो आप पढ़ नहीं पाते। तो जहाँ आपको प्रेशर आया, कहीं ना कहीं चीज़ें डिफरेंट आई, कुछ नया बदलाव आने को आया जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसी बदलाव की वजह से आप हो। तो इस तरह का शनि दिखा रहा है जब दशम भाव में है कि भाई कुछ करियर में ऐसी कुछ नई चीज़ें आ सकती हैं जो नई हैं, और आपको लगे भैया इस एज में या फिर मेरा जो है ना अलग ग्रुप है, इस तरह की नॉलेज नहीं है, तो आपको क्या रखना, हिम्मत नहीं हारनी है। जब व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता वो क्या कर सकता है उसे खुद भी पता नहीं होता। तो शनि का ये हो गया। राहु एकादश में अच्छे हैं, बढ़िया गोचर माना जाता है राहु का। आप शनि के नक्षत्र में आ गए हैं तो कार्य के क्षेत्र में, भाग्य के क्षेत्र में आपकी हेल्प करेंगे। बस आपको क्या, ईगो से बचना है और एक ऐसी चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आपके पास सिर्फ प्लान है पर उसको एकम्प्लिश करने के लिए कोई, आपने कुछ सोचा नहीं और किसी चीज़ में आप कूद गए तो फिर आपसे गलती हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पर 11वें भाव के राहु को हम शुभ मानेंगे। तो ये था आपका वृषभ राशि के लिए अगस्त का राशिफल। आपको पसंद आया है, इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है कमेंट करना मत भूलिएगा, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, कुछ आपकी सलाह है तो उसको ज़रूर दीजिएगा। अब चलते हैं थोड़ा ना त्योहारों की तरफ। त्यौहार बहुत ज़रूरी है, जैसे आपका कपड़ा आपके बारे में बताता है, आपकी वाणी आपके बारे में बताती है, आपका जो आपका रहन सहन है, चलने का तरीका, वो आपके बारे में बताता है। ऐसे ही आपके त्यौहार भी आपकी पहचान है। 7 तारीख की हरियाली तीज है, 9 तारीख की नाग पंचमी है। कुंडली में अगर काल शब्द दोष, कालमृत दोष, नाग दोष आदि है, या फिर श्रापित योग है शनि मंगल ये सब है ना, शनि राहु ये सब, तब हम जो हैं नागों की पूजा करना बताया गया है शास्त्रों में। अदरवाइज बहुत से लोग नागपंचमी के दिन जो पैदा होते हैं वो भी नागपंचमी की फास्ट वगैरह करते हैं। 15 तारीख का इंडिपेंडेंस डे है, 19 की रक्षाबंधन है जो पूर्णिमा को होता है आपका, 22 की कजारी तीज है, 26 की जन्माष्टमी है, ओम नमो नारायण है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 को श्रावण पुत्रदा एकादशी है, 29 की अजा एकादशी है, 4 तारीख की श्रावण अमावस्या है, 19 का श्रावण पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, 1 और 7 का प्रदोष, 2 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, 22 की संकष्टि है, 16 का सिंभा संक्रांति है, 16 तारीख को सूर्य का परिवर्तन होगा, जो कि हमने बात की संक्रांति है, अमावस्या है, संकष्टि है, दोष व्रत है, एकादशी है, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण दे होते हैं, तिथियां होती हैं। इन दिनों फास्ट करना, दान करना, ज्ञान का अर्जन करना, मेडिटेशन करना, किसी की हेल्प करना, ये सब बहुत शुभ माना गया। और दिन भी शुभ है पर इन दिन तो हमको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ कि अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर रिजल्ट लेकर आए, और लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।